अभी हम जा रहे हैं थाने, जो होगा देखा जाएगा। गाड़ी के चारों चाके निकले हैं। दोस्तों पीछे वालों को इतनी गर्मी लग रही है, एसी इतना फुल कराए हैं कि सामने वालों के हाल ऐसे हैं। लेकिन एसी फुल चाहिए, एसी फुल चाहिए बंदे, एसी फुल भाई लोग को, भाई लोगों को गर्मी लग रही है सोने में, चद्दर ओढ़ के सो रहे हैं, चद्दर ओढ़ के गर्मी लग रही है। टाइम हो रहा है रात के 2 बज रहे हैं प्रॉक्स। मौसम आप देख सकते हैं ऐसा है कि गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं है और लड़कों को लगी भूख। और मलिया जी क्या मिला खाना आपको? तो अब खाना जो हमारा सूखा नाश्ता था, गाइस हम वही खाएंगे क्योंकि हमारे नसीब में आज खाना नहीं है। वाइपर भी कोई असर नहीं कर रहा है, गाड़ी बंद करके खड़े हैं टोल प्लाजा के पहले। तो यहाँ पास से जितनी प्लास्टिक बॉटल्स आपकी गाड़ी में होंगी आगे नहीं जाने दिया जाएगा, अच्छी चीज है। नो प्लास्टिक जोन है आगे। 2 बोतल थी जिसमें गंगा जल भरा था, तो उसमें उन लोगों ने कुछ नहीं कहा, उनने कहा जो यूज्ड बोतल है उसको फेंक दो। मंदिर जस्ट यहाँ से सामने है, अब लोग कभी आए तो परेशान ना हो, सीधे यहाँ पे आए। ये चौगड्ढा पड़ता है चौराहा, यहाँ से मंदिर की वहाँ पास से पार्किंग वगैरह अंदर चालू होती है। यहाँ पे देखिए टॉयलेट्स वगैरह लिखा हुआ है, यहाँ पे आप आ सकते हैं, यहाँ पे आप 30 रुपीज में नहा भी सकते हैं, फ्रेश भी हो सकते हैं, दोनों चीज़ दोनों का सेम चार्ज है। जैसा कि हमने आपको दिखाया यहाँ पे प्लास्टिक यूज़ नहीं होता, कांच की बॉटल की सील तोड़ के पानी मिल रहा है, मस्त चकनी है, प्लास्टिक यूज नहीं होता। सेव एनवायरनमेंट, क्लीन एनवायरनमेंट। ओम श्री मल्लिकार्जुनाय नमः। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से निकलने के बाद हम लोगों ने यहाँ खाना खाया है, दोपहर के बज रहे हैं 12। यहाँ से हमारी गाड़ी सीधी निकलेगी रामेश्वरम के लिए, तो फिलहाल अभी मैं जाके पीछे सोने वाला हूँ और ये लोग चलाएंगे गाड़ी। अब देखते हैं अगली मुलाकात अपनी कब होती है, कहाँ होती है। तो दोस्तों लास्ट 1 घंटे पहले एक इंसिडेंट हुआ हमारे साथ, एक गाड़ी ने हमको एक रॉन्ग तरीके से पीछे से टक्कर मारी और अब वो लोग हम पे ही ब्लेम कर रहे हैं। ये पीछे चल रही है वो गाड़ी बेलिनो, ये बोल रहे हैं कि ये लोग तमिलनाडु से हैं। यू आर इन तमिलनाडु ब्रो। दो गाड़ी थी, दोनों ओवर स्पीड कर रही थी। डैश कैम फुटेज में डाल दूंगा इसके बाद। सामने ब्लाइंड स्पॉट था, हमारी गाड़ी 30-40 में थी, एकदम से सामने बैरिकेड आ गए, सामने 2 से 3 गाड़ियां थी, ट्रक थे, दोनों गाड़ियां थी। आप देखेंगे इनकी ही एक गाड़ी हमारे आगे आई, जिसने लेफ्ट इंडिकेटर दिया और सीधे लेफ्ट में आके राइट में घुस गई, उन्होंने भी राइट इंडिकेटर नहीं दिया। अब हमारे सामने ब्लाइंड स्पॉट था, हमने गाड़ी अपनी बहुत स्लोली 40-50 में राइट साइड में डाली। इनकी जो पीछे से गाड़ी आ रही है ना बलेनो, इतनी ओवर स्पीड थी डैश कैम की फुटेज में आवाज भी आई है। पीछे जब इन्होंने ब्रेक मारा है ना, पूरी गाड़ी टायर चूं ऐसा करके आवाज आई है, उसके बाद हमको पीछे ठोके हैं। अगर इनकी गाड़ी स्लो होती तो रुक जाती ना, पीछे ठोकने के बाद गाड़ी रुकी है, साइड में हमारी गाड़ी आई है। मेरी गाड़ी ऐसे ऐसे रोल ओवर होने वाली थी, जैसे पुलिस स्टेशन में आपने देखा होगा ना, साइड में पुलिस मारती है तो गाड़ी ऐसे रोल हो जाती है। गाड़ी बहुत मुश्किल से कंट्रोल की, उसके बाद 2 से 3 किलोमीटर तक इन लोगों ने हमें चेस किया, सॉरी 2 से 3 किलोमीटर तक हमने इन्हें चेस किया कि गाड़ी रोक दो, हम आपको वही फुटेज दिखाएंगे। जैसे एक्सीडेंट हुआ तुरंत हमने लेफ्ट में लगा दिया कि किसकी गलती पता चले, बट ये लोग 2 से 3 किलोमीटर तक भागे, हमने इन्हें चेस किया। उसके बाद जाके इन्होंने जब इनकी दूसरी गाड़ी मिली तब इन्हें रोका और उसके बाद हमने इनसे बात करने के लिए सिर्फ उतर के नीचे गए। उसकी वीडियो हमने नहीं बनाई, ऐसा ह्यूमैनिटी कॉज कि ये ना लगे कि हम विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं यूट्यूब का, नहीं बनाई हमने। हम वहां पे गए उनसे बात करने, बात करने के बाद ये लोग क्या बोलते हैं कि यहीं रुकना पड़ेगा जब तक पुलिस नहीं आ जाती। यू आर इन तमिलनाडु ब्रो, कहीं नहीं जा सकते, बच नहीं सकते हो तुम, यू आर इन तमिलनाडु। फिर हमने पुलिस को कॉल किया, तब पुलिस वाले के साथ भैया वो सामने जो 2-व्हीलर जा रहे हैं ना, वो पुलिस वाले हैं, वो आए मैटर सॉल्व कराने, अभी हम जा रहे हैं थाने, जो होगा देखा जाएगा। पीछे वो था क्या? अरे रोड के बीच में वो रहते हैं, बैरिकेड टच लगे रहते हैं। मैं इधर था, ठीक है ना,
ज्यादा देर नहीं था, मेरे पीछे दो गाड़ी आई ओवरटेक की, मैं अपने साइड आया, इतने देर था पीछे वाले, रोक नहीं पाया, अपने पीछे टकाया, बस पीछे नहीं बाजू में सटाया है, बाजू, अबे भाई पीछे सटाने, मैं गाड़ी संभाल लिया हूँ, संभाल लिया, पता गाड़ी कैसी जाती है, अरे अरे कूदी बड़बड़ा जाती, देख नहीं मेरे डैश कैम में, देख अरे लगा ना बे, वो और बढ़ेगा, नंबर प्लेट क्या है, आगे गया है वो जा रहा है, यही है ना, माँ का सम भाई बचा लिया गाड़ी में, तेरी नींद भी लगी है, अरे चोर हो गया, गाड़ी में गाड़ी लिया हम, कितने प्यार से गाड़ी चला रहा था मैं, अब भी तो गाड़ी लिया है बे, गाड़ी देख सामने से, नहीं फ्रेश है, रुको, नहीं ये भी नहीं है, तो ये है अपना स्टेशन जहाँ पे हम लोग आए हुए हैं अभी हर चीजें सॉर्ट आउट करने के लिए, और ये खड़ी है वो गाड़ी जिसने अपन को साइड से बम्प किया था, ये है अपनी गाड़ी, ये इस गाड़ी ने अपन को यहाँ से हिट किया, देन यहाँ पे पूरा यहाँ से लाके अपन को यहाँ पे मारा है, और मैं नेक्स्ट आपको इस गाड़ी का डैमेज दिखाऊंगा, ये वो गाड़ी TN32EA8438, इसने लेफ्ट से अपन को लगाया, इस गाड़ी को भी डैमेज आया है, ये इनकी भी बहुत गाड़ी कंट्रोल हुई है, और फिर यही चीज राइट साइड पे भी इनके जैसे ही अपना वो डिवाइडर आया था, वो डिवाइडर पे दीवार पे इनकी गाड़ी यहाँ से लगी हुई थी राइट पे, इनके अलॉय पे स्क्रैचेस आए हैं, ये लेफ्ट राइट साइड डैमेज हुआ और ये साइड भी डैमेज हुआ इनका। तो थाने से निकलने के बाद कम से कम 10 किलोमीटर हम लोग रुके हैं चाय पीने के लिए, सब लोग चाय पियेंगे अब यहाँ आगे चलेंगे, तो अभी भी रामेश्वरम हमारा 4 घंटे की दूरी पे है, रास्ते में ये ह्यूंडई की एजेंसी मिली है, तो यहाँ पे गाड़ी की हम अपनी सर्विस करवाएंगे, फिल्टर वगैरह चेंज होगा, ऑयल वगैरह चेंज होगी, सर ओवर कितना चल गई अपनी गाड़ी नीलू, ओवर कितना चल गई है, 50,354 किलोमीटर ओवर चल गई, 50 में अपनी ड्यू थी, तो अपने यहाँ पे भी गाड़ी डालते हैं, तो गाड़ी हम लोगों ने डाल दी सर्विसिंग के लिए, नीलू बाहर बात कर रहा है, मैं और सुधांशु आके कॉफ़ी के इंतजार में है, कोई आके दे दे, सामने रखी, सामने रखी, लेकिन रुमलिया से निकालते नहीं बनती, इसलिए रुमलिया बोल रहा है जब कोई आके देगा तभी लूँगा, सही बात है रुमलिया, बनती है पर कौन उठाया, अभी मैं थोड़ा सा थका हुआ, वो बोल रहे हैं कि गाड़ी 3 बजे मिलेगी, फिर भी हमने उनको कन्विंस किया, वो बोले रुक जाओ हम देख रहे हैं अंदर बात करते हैं, तो सर्विसिंग कराने में पता चला कि गाड़ी के फ्रंट जो ब्रेक पैड है उसमें दिक्कत है, वो पूरे घिसे हुए हैं, ये आप देख सकते हो, तो अपन चेंज करवा रहे हैं, नए डल रहे हैं 3,700, तो भैया बड़ी समस्या जा रही है हमको, आधी इंग्लिश उनसे आती है, आधी इंग्लिश हमसे आती है, हमारी हिंदी वो समझ नहीं पा रहे, उनकी कहानी हमारे समझ में नहीं आ रही, सर कैसा मजा आ रहा है आपको बात करके, बताओ लोगों से बात करके मजा आ रहा है तो सर ने कुछ कहा जिसको मैंने बीप कर दिया, बाकी आप समझ गए होंगे, तो इनसे हम कुछ बताते हैं, ये कुछ समझते हैं, उससे ये कुछ रिएक्शन देते हैं जो हम नहीं समझते हैं, बस इशारा कर देते हैं कि ये बना दो तो वो बना देते हैं, कुछ लोग समझ जा रहे हैं तो उनसे हम काम चला, हाँ एक आध दो लोग थोड़ा बहुत हिंदी समझते, यू डोंट नो हिंदी एक भी, यू डोंट नो हिंदी एक भी, ओनली तमिल, वी डोंट अंडरस्टैंड, 70% इंग्लिश, ओके गुड, तो अपनी गाड़ी में अभी ब्रेक पैड चेंज हो रहे हैं, पीछे की जगह में कोई दिक्कत नहीं, जिसमें डेंट वहाँ पे आया था, आप दिखाता हूँ मैं डेंट कहाँ पे आया था, जब अभी जो गाड़ी भिड़ी है ना अपनी, तो इस पे एलॉय पे दिक्कत आई थी, देखो सिर्फ ये कवर है, एलॉय भी नहीं, व्हील कवर पे स्क्रैचेज आए हैं, बाकी गाड़ी में यहाँ पे स्क्रैच आया है, यहाँ पे स्क्रैच आया है, जो रबिंग पे चला जाएगा रबिंग अमाउंट से, और ये तो पुराना वाला है, तो अपन इसको इंश्योरेंस में कवर करवा लेंगे, तो गाड़ी जैसे ही होती है वाइपर चेंज करवा रहे अपन निकलते हैं यहाँ से, लंबी ट्रिप कम पैसा ज्यादा खर्चा, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, फाइनल बताते भाई, देख रहे हो, देख रहे हो, 10,743 जी सर, तो अब 2 बजे हम खाना खाने रुके हैं, और हुआ ये कि जो वेटर आया हमने उससे बोला कि मेनू ला के दो, तो भाई ने एक बंदा लेके आए जो हिंदी बोलते हैं, अब ये बोले और जो चाहिए वो ले सकते हैं, तो मेनू मंगाने में भाई जब आए,
भाई केला के पत्ते आ गए हैं, आप लोग देख सकते हैं जो कि फेमस केला के पत्ते हैं यहाँ के खाने के लिए। तो मेनू भाई ने हमें बताया कि एक लेमन राइस मिलेगा, एक प्लेन राइस मिलेगा। तो हमारे लड़के तो लेमन राइस मंगा रहे थे, लेकिन भाई साहब ने बोला ये काम करो प्लेन राइस मंगाओ। तो अभी हम देखते हैं क्या क्या मिलता है। क्या बोल वाली है जी? अरे साला वो कोई सी रसम बता रही, रसम करनी पड़ती है। अरे रसम खाने की चीज है, मुझे लगा वो कह रही है कुछ रसम करनी पड़ती है खाने, खाने की चीज। वो रसम आ गई देखो, वो पापड़, पापड़ रसम है। इसको रसम बोलते हैं। रुमलिया जी सॉस क्यों आया है? सॉस क्यों आया है? साले को सॉल्ट मंगाया तो सॉस ला के रख दिया। एक चीज बताऊं दोस्तों, ये लोग भी हमारे मजे ले रहे हैं, चार लोग हमको सर्व कर रहे हैं, बहुत मजे ले रहे हैं हमारे। कोई बात नहीं, वेरी गुड। चलिए रुमलिया जी, अपने खाने का बिल कितना हुआ? 250। इतना सारा खाना 250 में? इतना में आता भी है क्या? हम तो ज्यादा नहीं खा रहे थे, हमको तो 750 में हमने नाश्ता किया था भाई, सिर्फ 2-2 समोसे खाए थे हमने केदारनाथ में। 250 में हमने पूरा मील लिया है। रामेश्वरम तो पहुंच गए हम लोग, गाड़ी भी हमने पार्क कर दी है, होटल भी हमने ले लिया है, और वीडियो हम बना नहीं पाए उन सब चीजों का। अब हम गली में घूम रहे हैं। गली में क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि हमको सफ़ेद कलर का शर्ट, और शर्ट तो नहीं लुंगी चाहिए, शर्ट तो सबके पास है। उसके बाद हमें बाल सेट करवाने हैं, दाढ़ी सेट करवानी है। ये मंदिर का दरवाज़ा है साइड से, और अंदर मंदिर है। दुनिया छोड़ के हम लोग रामेश्वरम में दाढ़ी सेट करवाने आए हैं। और मलिया जी मैं हताश हो चुका हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे 80 रुपये की दाढ़ी सेट होती है, और आपको हिंदी इंग्लिश अलग से करनी पड़ती है। हिंदी समझाने के लिए अलग से पैसे देने पड़ते हैं यहाँ, उसी के 80 रुपये लगे। बाल दाढ़ी सेट करवा लेते हैं, मैंने तो करवा ली है। फिर दाढ़ी बनवाने के बाद खाना खाने आए। अरे मेरे को साल्ट, अरे साला सॉल्ट मांगे तो सॉस दे देते हैं, छाछ मांगे तो साले खीर ला के दे देते हैं। तो हम लोग प्याज और नींबू खा रहे हैं आज प्लेट के साथ। रूम लिया है होटल सेंथिल मुरुगन में, जो मंदिर के जस्ट पीछे है। तो अभी चल के आपको रूम दिखाते हैं बढ़िया सा। ये सेकेंड एसी कोच, और ये है फर्स्ट एसी कंपार्टमेंट वाला, जहाँ आप अपने पालतू कुत्ते को लेके जा सकते हैं, जैसे कि ये। ये हमारा रूम फुल चिल्ड, 22 की टेम्परेचर। ओह माय गॉड गाइस, तो मैं भी आपको राउंड ट्रिप करवाता हूँ रूम की, होम टूर कराता हूँ। तो इधर से हमारा रूम चालू होता है और इधर पे ख़त्म हो जाता है। ये 2 बेड का बेड है, और ये 2 एक्स्ट्रा बेड सीट हमने मंगवाई हैं। कारण क्या है, 2500 का मिल रहा था चार लोगों के लिए, तो हमने 1500 वाले में 200 रुपये की मैट्रेस लगा के 1700 रुपये में पैसे बचाए 800, और उस 800 के हम खाएंगे। और मानिए जी क्या खाएंगे आप? रसगुल्ला, स्वीट्स। अभी जाते हैं हम लोग, एक रील बनाते हैं आपको, फिर दिखाएंगे। सैया। सुबह 4:30 बजे उठे हम लोग अभी, और मंदिर की ओर जा रहे हैं। समुद्र में हम लोगों ने छीटे मारे हैं, स्नान तो नहीं किया है, अब जा रहे हैं वहाँ, कुंड है उनमें नहाएंगे, फिर दर्शन करेंगे, कपड़े वहीं चेंज करेंगे आगे। तो अभी हम लोग मंदिर के अंदर हैं, आप लोग देख सकते हैं ये जो स्तंभ है यहाँ पे, ये तकरीबन 1212 अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उतने ही है, और ये अलग अलग सदी में बनाए गए हैं मंदिर के अंदर का। आप यहाँ पे देख सकते हैं लोकेशन, यहाँ तक कभी फिलहाल फ़ोन अलाउड है, तो मैं दिखा रहा हूँ। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे, उधर पे टिकट मिलती है 25 रुपये की 22 कुंड में नहाने की, वहाँ नहाएंगे फिर दर्शन करेंगे। तो जहाँ तक फ़ोन जाएगा वहाँ तक हम आपको दिखाएंगे। तो दर्शन हमारे हो गए हैं, हम मंदिर से बाहर जा रहे हैं। बोलो हर हर महादेव। क्यों भैया? हर हर महादेव। तो फिलहाल हम लोग गाड़ी धुलवा रहे हैं, गाड़ी धुलवाने का 100 रुपये लगेगा, 100 रुपये क्या देना पड़ जाता है यहाँ पे, थोड़ा महंगा है। अरे ये तो अपना आदमी है, तो 50 रुपये मान जाएगा, 50 मान जाएगा, सस्ता है ना वो। कालू ने थोड़ा अच्छे से यहाँ कालू ने यहाँ पान खा के थूका था। हाँ इधर पे थोड़ा, इधर से घी डोसा
ये है उत्पम, घर जैसे खाना होता है, फॉर्मेलिटीयां कुछ नहीं करनी पड़ती है, एकदम घर जैसे खाओ, शाम के खाओ खाते हो वैसे खा लो। गोल्डन रेस्टोरेंट रामेश्वरम, ओके गुड फूड। तो गाइज हम लोग नाश्ता करने के बाद जा रहे हैं राम सेतु। आप देखिए गाइज, ये उमलिया जी बैठे हैं और मैं उल्टा बैठा हूँ। उल्टा क्यों बैठा हूँ उमलिया जी? मैं देवराज पीछे देखा क्योंकि हमारा आगे से ज्यादा पीछे इम्पैक्ट पड़ता है, तो मैं पीछे बताता हूँ। आ गई 20 मीटर। देवराज सिंह पीछे देखता है, मैं राइट देखता हूँ, कालू लेफ्ट देखता है, चाचा सामने देखता है। चारों दिशा कवर है, चारों दिशा हम लोग कवर करते हैं। तो अब जा रहे हैं, लोड नहीं है सामने की, लोड नहीं आज का लोड है। डैश कैम एक पीछे भी लगाना चाहिए उमलिया जी, लगवाना चाहिए, खर्चा करवा दो, 1/4 में जो करवा दो। धनुषकोटी के आगे राम सेतु के नजदीक आ चुके हैं और इसके आगे गाड़ी नहीं जाती, तो हम लोग गाड़ी अब यहाँ से घुमा रहे हैं। इधर भी समुद्र, आगे राम सेतु, वहाँ सीधा सीधा उधर जाएंगे। तब कसम मार डालूंगा। क्या हो गया भाई? अरे भाई यार, एक तो नारियल पानी नहीं पिलाया, मेरी नींद खुली, नारियल पानी दिया आधा पी के दिया, उसके बाद उसकी क्रीम कटवाया आधी वो खा गया, आधी ये नींद से उठ के खा गया। कैसे जाऊंगा मैं, उतरने दो। रुक जा यार, क्या है? अरे सर कहाँ जा रहे हो? अरे ये तो लड़ाई हो गई यार। नहीं भाई यार, अरे हमको भी थोड़ा सा ये प्यार से मांगने में मिलती भाई। मेरे को रसम मांगा, रसम पता नहीं चल रहा क्या खा रहे हैं, चावल बस। इसमें हमको सिर्फ पता ही नहीं चावल है और क्या है, हमको नहीं पता। देखो दोस्तों, पहले उनने ये रखा, ये भी नहीं पता, ये रखा ये भी नहीं पता, फिर चावल दिया जो पता है, ये मील है मील। फिर उसके बाद हमने पूरी ताकत से 4-5 चीज मांगने के बाद जब हिम्मत नहीं बची तो फिर बोले सांभर, बोले हाँ सांभर है। दोस्तों पानी मंगाना पड़ता है तो ऐसे करना पड़ता है, बॉटल को ऐसे ही चालू कर, तभी बॉटल आई है, तभी आती है, नहीं तो नहीं आती। एक चीज़ और अच्छी है यहाँ पे, वेस्टेज नहीं है, खाली वाली बोना होना पत्ते को, इसको पीना बढ़िया, ऐसा करो, पिया पिया न फेंका, पिया पिया खा उसको, ऐसा करके ऐसा अन्ना पिया होगा अन्ना। खड़े हैं नल्ला का, क्या जगह है ये, नामाक्कल। तो सर अभी अपनी नज़र पड़ी उस किले में, क्या गजब की लोकेशन है। ऊपर जाके कैसे जाके युद्ध करोगे? तो जिसको भी पता हो ये किले का नाम क्या है कमेंट में बताएं, हमको भी पता चल जाएगा। जगह है नामाक्कल, नामाक्कल ट्रैफिक पुलिस नामाक्कल। कल दोपहर 12 बजे रामेश्वरम से निकलने के बाद अभी हुआ है 10:50 और हम लोग पहुंचे हैं अपनी मंजिल से 270 किलोमीटर पास। तो दोपहर के 3 बज गए, हम लोग महाराष्ट्र में हैं और ऐसी कच्ची पक्की सड़कों से जा रहे हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की ओर। तकरीबन 70-80 किलोमीटर बचा है, तो कल से हम कंटिन्यू गाड़ी चला रहे हैं। तकरीबन 24 घंटे में हमें जब वहां से हम निकले थे 12 बजे रामेश्वरम से, तकरीबन 1570 किलोमीटर के आसपास था भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। तो अभी तक हमने 26 घंटे में 1400-1300 किलोमीटर गाड़ी चला ली है, वही करते जा रहे हैं। कभी कोई सो रहा है, कवर करना है हमें आज, क्योंकि 9 बजे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के पट बंद हो जाते हैं। तो अपना टारगेट यह है कि आज भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके और सीधे यहां से, क्योंकि जो 5-6 घंटे का रास्ता है इसके बाद त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का, तो वहां जाके हम स्टे करें, जिससे सुबह पहले दर्शन हमको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के मिल जाए और उसके बाद हमें 2-3 घंटे का रास्ता है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का, वो कवर करके हम सीधे जबलपुर के लिए निकल जाए। पिछले 27 घंटे में 1570 किलोमीटर चलने के बाद भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग से हम लोग अभी 3 किलोमीटर दूर हैं। मौसम बहुत ही अच्छा है, पानी गिर रहा है। ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने से पहले हमें नहाना पड़ेगा, तो गाड़ी हमने खड़ी की है इस ढाबे में और वहाँ पीछे है झरना, तो उस झरने में हम नहाएंगे। महाराष्ट्र में आ गए, हिंदी आती है तो अच्छे से हिंदी से बात कर सकते हैं ना, ना सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग भीमाशंकर से कितना बचे हैं भास्कर? 3 किलोमीटर बचे हैं। हम लोग ने लोकेशन देखी है, वो देखिए झरने से पानी गिर रहा है, यहाँ पे हम नहाएंगे और नहाने के बाद हम जाएंगे दर्शन करने। और यहाँ पे 20 रुपये पर पर्सन चार्ज है, ये देखिए 20 रुपये पर पर्सन। ये पानी सामने ऊपर डैम बना है छोटा सा, उससे आ रहा है, तो आप लोग आए तो यहाँ नहा सकते हैं अगर आपका मूड हो तो। तो दोस्तों जिस झरने की मैं बात कर रहा था उस झरने में नहा रहे हैं और मैं भी नहाऊंगा। ये है वो वाला झरना।
एडमिशन डायरेक्ट करना होगा तो 300 रुपए पर मेंबर का टिकट के नीचे। यहाँ पे पार्किंग 100 रुपए नीचे जाने के लिए। यहाँ पे आप लोग मत रुकिए, 1 किलोमीटर जहाँ से भीमाशंकर बचा है। रीजन क्या है कि यहाँ से बहुत दूर है, सीढ़ी वगैरह उतर के जाना पड़ता है, तो आप लोग गाड़ी अंदर तक ले जा सकते हैं। सिर्फ 100 रुपए खर्च करना पड़ेगा आपको पार्किंग के लिए, और हमें तो वैसे भी जल्दी है, वीआईपी एंट्री का 300 रुपए लग रहा है सुनने को मिला है। ओम श्री भीमाशंकराय नमः, हर हर महादेव। तो मात्र 5 से 7 मिनट में हमारे दर्शन हुए, क्योंकि वीआईपी दर्शन का हमने जुगाड़ किया। क्यों सर, कितना टाइम लगा होगा मैक्सिमम? क्योंकि यहाँ की लाइन कम से कम 3 से 4 घंटे की। क्यों भाई, जो लोग लगे हुए थे और हमारे पास टाइम का शॉर्टेज। बिल्कुल, अभी हमको सीधे यहाँ से निकलना है त्रियंबकेश्वर, जो कि है नासिक में, है ना, जिसका 5 घंटे का सफर है। तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं, अभी शाम के 6 बज रहे हैं, तो देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं। और बारिश बहुत अच्छी हो रही है, हम लोग गीले भी हो गए थे दर्शन करते हुए। जो इंस्टाग्राम में हमारी रील और फोटोज आएंगी ना, वो हमारी गीले होने के बाद की है। अच्छे से हम बना भी नहीं पाए, फिर भी भगवान का मंदिर तो आपको दिखा ही पाएंगे। बोलो हर हर महादेव, हर महादेव। तो रात में 11 बजे हम लोग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग से निकल के सत्कार होटल करके यहाँ पे खाना खाने के लिए रुके हैं। इसके बाद जाएंगे हम लोग आगे त्र्यंबकेश्वर के लिए। हर हर महादेव। दोस्तों, हम लोगों ने त्र्यंबकेश्वर नासिक में आके रात में 1 बजे रूम ले लिया था। ये रूम था हमारा छोटा सा, ज़्यादा अच्छा तो था नहीं, सिर्फ 500 रुपये में मिल गया था। 4 घंटे हम यहाँ पे सोए, हम यहाँ बढ़िया फ्रेश फ्रेश हुए, नहाए वहाए, वॉशरूम वगैरह ठीक था। अब यहाँ से 5:30 बज गए हैं, हम दर्शन करने के लिए निकल रहे हैं त्र्यंबकेश्वर महाकाल के। तो यह है त्र्यंबकेश्वर, जाने से पहले गोदावरी कुंड, यहाँ पर स्नान किया जाता है। यहाँ का पानी स्नान करके ही भगवान के दर्शन करने जाया जाता है। कितने टाइम तक दर्शन हो जाएंगे? दर्शन में अभी हमें 1 घंटे और लगेंगे। क्यों? आगे से नहीं, 1 घंटा तो नहीं, कम से कम 20 मिनट मिनिमम। 200 लोग के पीछे हम, 200 लोगों के बाकी ऑलमोस्ट खाली ही है सब। 200 लोगों के पीछे हैं, बीच में नहीं है भाई, कुछ लाइन है। हम 4:30 बजे आने वाले थे, लेकिन घड़ी में टाइम देखा तो 6 बजे। तो ये है हमारा त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर, आप देख सकते हैं। बहुत ही पुराना पेशवा बाजीराव के जमाने का बना हुआ है मंदिर है। इसके अंदर जो शिवलिंग है उसकी विशेषता ये है कि वो सुपारी के आकार के 3 शिवलिंग है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश को स्थापित किया गया है। उसमें बूंद बूंद करके जल उसके ऊपर जाता है, साथ ही साथ बेलपत्र फूल चढ़ाए जाते हैं, जिसका आकार आप ऊपर लगे मिरर पर देख सकते हैं। तो सर, दर्शन कैसे हुए? बढ़िया हुए, आए। अगर यहाँ कभी भी आए तो ये जो लिखा गया है इसे जरूर पढ़ें, इसमें आपको पता चलेगा कि ये क्या है मंदिर की हिस्ट्री। मैं ऐसा करके देख लेता हूँ, आप लोग धीमा करके इसको पढ़ सकते हैं। मैं एक बार इसका पूरा पूरा ऐसा ले लेता हूँ, आप इसे रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ इसमें लिखी हुई है। तो हर हर महादेव, चलते हैं अपने अंतिम ज्योतिर्लिंग की ओर, जो कि क्या है भाई साहब? विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग औरंगाबाद। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और हम पहुँच चुके हैं अंतिम ज्योतिर्लिंग में, अपने श्री ग्रिश्नेश्वर ज्योतिर्लिंग जा रहे हैं अंदर दर्शन करने। दर्शन करके आके हैं, काल हर दुख हर कष्ट हर दारिद्र हर रोग हर 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 महादेव। तो हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी, जय केदारनाथ नाम, जय केदारनाथ धाम। तो हमने अपने पहले ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जो कि है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन, उसके हमने किए थे दर्शन 11:30 बजे सुबह उज्जैन में, और अभी तकरीबन 11 बज रहे हैं, हमारे दर्शन कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के हो गए हैं। इस हिसाब से हमारे 14 दिन में पूरे के पूरे ज्योतिर्लिंग के दर्शन तो हो ही गए, महादेव यही चाहते थे। हाँ, बात रही हमारे घर पहुंचने की, उसमें कुछ घंटे ज्यादा लग रहे हैं, उसके कारण आप लोगों ने पीछे वीडियो में देखा ही देखा है। फिर भी हमने अपनी पूरी श्रद्धा के साथ हमारी ये पूरी यात्रा सफल रही। तो अब कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हम लोग सीधे निकल रहे हैं जबलपुर के लिए, जो कि यहाँ से तकरीबन 11 घंटे की रास्ता है ना भैया, 11 घंटे की रास्ता है। अभी देखते हैं कितने बजे हम वहाँ पे पहुँच पाते हैं, अभी तो फिलहाल 11 करीब बज रहे हैं। एक चीज़ और, हम लोग जैसे ही अंदर दर्शन करने गए, अपने बढ़िया बढ़िया कुर्ते पहने थे हम लोग, बढ़िया मस्त तैयार होके गए थे। अंदर जाते ही वहाँ पे जैसे जो गेट होता है ना, जहाँ से मेन मंदिर के अंदर दर्शन करते हैं, वहाँ पे गर्भगृह के जस्ट पहले, तो वहाँ पे जाते ही सब लोगों ने बोला कि अपने अपने ऊपर के जो भी मतलब मेल्स हैं पुरुष, वो अपने अपने ऊपर के शर्ट वगैरह सब उतार दिए, मतलब ऊपर कुछ नहीं पहनना है, जो भी हैं जितने भी मेल ह्यूमन बीइंग में मेल पुरुष मर्द बच्चे बूढ़े, वो अपनी अपनी शर्ट उतार दें, नीचे जो भी लुंगी पर्दनी पैंट शर्ट पैंट पहने हुए हैं वो पहने रहे, बस ऊपर लेकिन कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे में दर्शन मिलते हैं भगवान के यहाँ पे, अच्छी चीज़ है। तो कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग से चलने के बाद हम लोग ने पहला स्टॉप लिया है नागपुर पे, हमारे पहली बार आ रहे हैं नागपुर में हम लोग, अब खा रहे हैं। और मलिया जी, स्नैप बन गया क्या आप लोगों का? अब हम खाना चालू कर सकते हैं? भोग लगा दिया हमने स्नैप का, पहले उर्मालिया जी स्नैप का भोग लगाते हैं फिर खाना खाते हैं। तो नागपुर में 3 घंटे टाइम पास करने के बाद अब हम भाई लोग को यहाँ से अलविदा कर रहे हैं। हर हर महादेव। तो सुबह 6 बजे हम लोग आ चुके हैं जबलपुर में गौरी घाट में, अब यहाँ जाके हम लोग नहाएंगे बढ़िया, नहाने के बाद जाएंगे अपने अपने घर।
तो हम जा रहे हैं हमारे पहले स्टॉप गांव है कसिक, हमारे इंजीनियर साहब का घर। पूरा मोहल्ला धुआं धुआं हो गया है दोस्तों, माहौल भी चल हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं सब। अभी फिलहाल हम लोग खड़े हैं कसिक गांव में, आप निकलेंगे आगे। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं बनागर। तो स्वागत ऐसा हो, काम ऐसा करो कि स्वागत ऐसा हो, और ट्रिप का पैसा वसूल पता कहां से हो, ये नारियल बेच के। बढ़िया हमारा फिर से यहाँ पे स्वागत हुआ है, सब लोग यहाँ पे आए मंदिर में, अभी हम पूजा करेंगे। और इसी के साथ हमारी यात्रा और मलिया को छोड़ के यहाँ पे समाप्त होती है फाइनली।